अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब बढ़िया से होंगे। मैं अहमद रज़ा, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो आज ना हल्की हल्की बारिश भी हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। पहले हल्की हल्की बारिश हुई है, अब ना सूरज निकलने के अमकान है काफ़ी ज़्यादा। तो देखें वो देखें आसमान में सूरज भी निकलना शुरू हो गया, ये देखें। तो अली भाई ने ना हुक्के के लिए आग लगाई हुई है, हुक्का डालने लगे हैं। वो क्या लगता, बारिश हो गई या धूप निकलेगी? बारिश हो गई अभी यार, बादल हो गए, मुश्किल है धूप निकले यार। अच्छा, तो अगर बारिश हो गई तो आपको तो काफी मुश्किल होगी भैंसों के लिए। कोई नहीं, पूरी है। अच्छा दावा करना सही है। तो बारिश अगर एक दफ़ा हो गई ना, तो गाइस मौसम ना सर्दी आ जानी है यकदम, जिसे कहते हैं ना कट्ठी सर्दी, धुंध शुरू हो जानी है। ठीक है, अगर एक दफ़ा जोरों शोर के साथ बारिश हो गई तो मौसम सारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सर्दी आने में भी वैसे भी देर नहीं है। इस महीने के लास्ट में सर्दी भी शुरू हो जाती है, तो अली भाई जो हुक्का डालना शुरू करती है। असलम भाई आ गए हैं अपनी बकरियों के लिए ना, ये दरख्त काट के ना बकरियों को पत्ते खिलाएंगे। कितनी बकरियां रखी हैं जे? सात बकरियां। सही है। कितने देर हो गया तुहानू काम कर दें व्यापार वाला? सही है। ये हकीम भी हैं हमारे इलाके के, अच्छे हकीम, दूर दूर इलाकों से ना लोग आते हैं इनके पास, मेडिसिन बनवाते हैं इनसे। अली भाई ने हुक्का डाल दिया और मुझे कह रहे थे पानी डालो, मैंने चेक किया तो पानी पहले उसमें आया था, मैंने फिर नहीं डाला पानी। तो अब असलम भाई आ गए थे, मैं इनके पास बैठ गया हूँ, मैं कहा चलो वो गप शप लगा लेते हैं इनके साथ। भाई कह रहे थे कि बारिश होनी है लेकिन धूप निकल आई है, ये देखें बारिश कम ही। आप तो कह रहे थे बारिश होनी है, धूप निकल आई है। सही है, लेकिन इधर तो दो बारिश इधर भी हुई है, देखो ना लकड़ियाँ ये गीली हो गई हुई हैं, अभी हल्की हल्की गीली हैं। तो ये देखें ये थोम लगाया हुआ है, इन सब भाई को पता ही नहीं लग रहा क्या लगा हुआ है इधर, थोम लगाया हुआ है। ये हमने हमारी काश्त करी है, ये देखे इधर ना, इधर इधर से लेके सारा पुदीना ही पुदीना था, लेकिन अब खत्म हो गया सामने पुदीना। ये तो को तोरी है, तोरी हाँ, इधर पुदीना था सारा, वो खत्म हो गया पता नहीं कैसे। गाइस जैन भाई ने ना मुझे कॉल किया, कहते हैं मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। तो मैं जी जैन भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, तुम सुनाओ? किधर सहरा पे कर दिया? बस यार रात के सोए हुए अभी शाम। वो क्यों? मैं तो सुबह उठ गया था। आप जल्दी सो गए थे नहाते ही। आते कब? मैं 12 बजे तकरीबन, 12 बजे के बाद सोया हूँ। मैंने 12 बजे से वीडियो एडिटिंग करना जो है शुरू किया है, घर में 12 बजे पहुँचा हूँ।
सही है। मैं सुबह ना है उसको शम सब को लेके आया थे इधर, उसकी दौड़ लगवाई है। किलोमीटर उससे भाग के नहीं था जाता। क्या सुबह आपको दिखाएंगे, शाम को फिर लगानी है दौड़, फिर देखना शाम को। वो हम गए तो कुत्ते हमारे पीछे लग गए, चंद सब गिर गया नीचे। मैं फिर उधर से सोटी पकड़ के रहा उसको मारने लगा, लेकिन फिर वो आगे नहीं आया कुत्ता, तो शन सब डर गया फुल गया था और चले वापस चले। फिर हम वापस आ गए। अभी किधर है? अभी वो अंदर ही है, बाहर नहीं आया। मैंने उसको बताया नहीं कि आप आए हो, आपने मैसेज किया। बताऊं फिर तो शंसा भाई भी आ गए। शंसा भाई फिर आ गए हम, क्या आप क्यों आए हैं भाई बताएं। यार मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा जरा बाहर घूम फिर ही आते हैं। हाँ घूम फिर आ गए, सरप्राइज मिला आपको घूमने फिर। तो हम रात को गए जी। तो गाइस ये लकड़ियाँ सारी उठा के हमने ना अंदर रखनी, क्योंकि बारिश आने वाली है, सारी गीली हो जाएंगी, फिर जो है ना इससे आग नहीं जलेगी। ऐसी बात है ना अमन भाई? जी भाई जी जी, उका डालना होता ना इसलिए, फिर ये लकड़ियाँ अगर गीली हो गई तो मुश्किल बन जाएगी। अहमद साहब भी उका भी नहीं है। लकड़ियाँ उठा ली गई हैं जो सूखी सूखी थी, जैन पे उठा के ली गई है। अभी सूखी नहीं है कुछ, धूप पैन को अभी लगनी है लकड़ियों को, फिर ये सूखेंगी। जी जान भाई मज़ा आया या आपको मज़ा आया लकड़ियाँ उठाने का? अभी तो मज़ा आने वाला है। ये नहीं उठानी? नहीं ये नहीं उठानी। नहीं ये अभी फिर मज़ा आ गया। अच्छा जल्दी काम खत्म हो गया। इधर वहाँ थूम के लगा दिया था जी, थूम मैंने अभी दिखाया। कल मैं चला गया हुआ था पीछे से, शायद अली भाई ने लगा दिया बस सारा। ये भी नहीं आ, ये तो बड़ी देर की लगी हुई है। वो देखो ये लगी काली तोरी, वाइट तोरी, ब्लैक वाइट तोरी लगी हुई है। ब्लैक ब्लैक वो झूला नहीं है उससे मैं उसको लग कटन लगा मार पेट के दस ही निकलेंगे। हैं तेरे को लोग दस भी नहीं निकलने? वो आंदा है कि फुल लाइन जो हाथ छाड़ के थल्ले होना है। चल ला की या? ला नहीं लगते तेरे को, ये नहीं आर्मी जा सकता सानु पता लग गया। कितने लगा सकते हो? चलो लगाओ भी लगा। क्या तरीका हुआ कैसे ला देने? चौक चौक चौक। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं डेरे पे, काफ़ी दिनों के बाद जहर भाई दो तीन दिन नहीं गए, मैं भी नहीं गया, हम मसरूफ थे। तो अब हम डेरे पे आज जाना ठीक है। डेरे पे काम भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं पता है क्या काम है, लेकिन अली भाई कह रहे हैं हम मतलब काम है। मैं बताऊँ? बताएँ जी। तो आज मैं बता रहा हूँ कि हमारे मतलब कौन से काम है आज भाई अमन और मैंने क्या करना है। मुझे नहीं पता, आपने बताना मुझे तो पता ही नहीं है। सरप्राइज है तुम्हारे लिए, फिर अगर तुमने नहीं ना पता तो सरप्राइज है। डेरे जाके फिर हम बताएंगे इसे क्या सरप्राइज है। ठीक हो गया जी? ठीक। शिशव के लिए तो मैंने बहुत ही खूबसूरत शिशव की ट्रेनिंग भी हमने डेरे पे शुरू करनी है, इसको देखते हैं ये पास होता है। अहमद भाई क्या कर रहे हो? ये खल भगाने लगा भैंस के लिए। अच्छा निकल नहीं रही, एक मिनट अब निकल। अब इसमें पानी डालेंगे जी भाई, इसमें पानी डालना है। इसको अब शाम तक भगो के रखेंगे ना, जब चुवाई करेंगे ना तब फिर इसको बैग खिलाएंगे। ये ठीक हो गया जी। आप इसको ऊपर से ढक देंगे। अच्छा यहाँ के कव्वे वगैरह या फिर ये बकरियां थोड़ी देर में असद भाई ने अपनी खोल देनी है, ये इसमें मुंह ना डालें, फिर खा जाती हैं। वंडा देख के ना
अच्छा खुश होती हैं। जानवर कोई भी हो अंडा देख के खुश हो जाते हैं, जैसे आप बर्गर देख के खुश होते हैं। अब अहमद भाई ड्रामे धोने लगे हैं। तो गाइस अहमद भाई जो है ना वो गन्ने जो है ना वो दादी के साथ काट रहे हैं, कह रहे हैं कि गन्ने जो है ना वो चूसे क्या करना है। हेलो व्हाट्सअप गाइस व्हाट्सअप ओ दात्री ले आवा तो पछाए एक मात चोक ले आए खाना है आपने गन्ना चोकने वाला कोई है तो आ जाओ। हां जी सब भाई की हाल है, की हाल है सुका जला पड़दा और सुनाओ ने कोई बात नहीं की है। कैसा दिन गुजरिया कल दा? ठीक गुजर गया जी। छन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿਹਸਾ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਛੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਪਿਆਉਂਦਾ ਕਿ? ਛੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹੈ ਠੀਕ ਲੈ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਥਾ ਅਹਿਮਦ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਨਸ਼ਬ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨੀ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰ ਜਾਏਗੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ, बहुत ही वजनी है। तो अली भाई अकेले लेके जा रहे हैं। अहमद भाई कम हेयर यू मैन कम है व्हाट्सअप जल्दी आओ। तो इन्हें बोला कि जल्दी आओ, मैंने जो है ना वो जाना अब सियालकोट पसरूर जाना, मैंने किंगरे मोड़ पे ना फुतकी हो गई है तो उधर जाना है, तो जिसकी वजह से थोड़े से और सरप्राइज थे वो नहीं दे सकेंगे अहमद भाई को, शनशिप को फिर कभी दिन देंगे। तो सुद भाई जो है ना वो होगा जो है ना ग्रास ले आए हैं भैंसों के लिए, तो उनके लिए चारा जो लेके आए हैं ना वो ग्रास वो अब यहाँ से कटाई उन्होंने कुतरेंगे तो फिर भैंसों को दो तीन बजे डालेंगे। भाई चले ध्यान को कॉल आ गया घर से, अब जाना जान हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, बीच रस्ते में है ठीक है चलो टोर के करनी है वो पैदल जाना उतर ही नहीं लेके आ रहा है पेट्रोल, गाइस पेट्रोल खत्म हो गया अब जाएंगे पैदल। ये होता है पेट्रोल ना डलवाने का अंजाम। जैन भाई कल गुजरा वाले गए हुए थे, इन्होंने थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया होगा ना, इसलिए खत्म भी हो गया। चले जाएंगे वैसे खत्म हो गया यार, अब पैदल जाना पड़ेगा गाइस कम से कम 3 किलोमीटर घर जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पंप पेट्रोल पैसे भी कर रहे हैं। हम तो डेरे पे गए हुए थे, चले कोई बात नहीं, अब कभी कभी पैदल वॉक भी करनी चाहिए। आपकी ट्रेनिंग है ये, आप जोर लगाओ। शर्जा भाई जान भाई ने चौक उठा के बाइक स्टार्ट कर दी है। शर्जा भाई किधर दूर रह गया देखे, शर्जा भाई आ रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। शन साहब नु कहने पेट्रोल लैके आवे, असि इत बहने इंजी टोरी जा मोटरसाइकिल टुर पै ला दिया बंदिया2 किलोमीटर जैन भाई ने नुस्खा लगाया स्टार्ट हो गया फिर बंद हो गई है। गाइस हम पैदल बाइक लेके इधर कितनी दूर आ गया, शर्ट सब भाई अभी वो पीछे आ रहे हैं, वो पीछे
हम काफी देर के दर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस संशुभ के लिए सिर्फ यही सरप्राइज था। पेट्रोल है था लेकिन जान भाई ने कोई स्कीम लगाई है कि बंद किया हुआ था। है पेट्रोल नहीं है फिर उसको क्यों चक में दे रहे? वो पैदल आ रहा, डलवाया नहीं था इसलिए। डलवाया ही नहीं कि पैदल आ रहा। पैर फॉर फनी वीडियो प्रैंक किस प्रैंक किया उसके साथ, देखने मजा आएगा। चलो बैठो केक बात दे जी होना। तो गाइस बाइक को अब लटा रहे हैं, कतरा भी पेट्रोल आज बस पहुंच जाएगा। चल जल्दी बैठो 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 जी बैठो तो बैठो शर्ट से। भाई बाइक थोड़ी स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं किधर तक जाती है। हाँ बंद है नहीं। रेस फुल दी हुई है। कुत्ता ही कुत्ता कुत्ता। तो गाइस हम बस सोच रहे पहुंच गए हैं, शुक्र है लगा। हाँ मड्डे पे पहुंच चुके हैं। आप बाइक ज़रा भी नहीं चल सकते पेट्रोल के बगैर। घर भी जाना अभी, घर काफ़ी दूर है, कम से कम आधा किलोमीटर का रहा है इधर से। तो गाइस मैं और शमसब भाई डेरे पे आ गए हैं, शाम हो गई। अली भाई ने कॉल की थी कि मुझे आके ले गए। अभी वो ना बारिश का कह रहे थे, कोई पता नहीं है, मौसम भी ऐसा बन गया, वह सर्दी भी हल्की हल्की शुरू हो गई, इसलिए मैं देखें जैकेट भी पहना है। तो वो भैंसों के लिए चारा काटने के लिए चले गए हैं, कहते हैं अगर बारिश आ भी गई ना फिर अजाफी चारा तो होगा ना, तो अगर बारिश आ जाए फिर मुश्किल बहुत होती है, वो चीकर हो जाता है खेतों में, फिर उसमें से गुजरना बहुत मुश्किल होता है, तो वो चारा भी नहीं काटा जाता, इसलिए वो चारा काटने गए हैं अली भाई और असद भाई। अब हम उनका इधर इंतज़ार करते हैं कुछ देर, अभी कॉल किया वो कहते हैं हम आने लगे हैं, देखते हैं बातें हैं, फिर हमने वापस चले जाना है डेरी के ऊपर। तो सुबह उतार लेंगे असद भाई खुद ही, जब इसको काट उधर टोके के पास रखेंगे ना तब फिर सुबह खुद ही उतार लेंगे। टोके की टोके की वो कह रहे हैं वो सुबह बनाएंगे टोके की वीडियो है ना। अभी आ गए चारा तो साथ में ये अमरूदों के पत्ते भी लेके आए हैं बकरियों के लिए, ये स्तूत भी लेके आए हैं। उस दिन हमने ना खोते रेड़ी पे भी सवारी की थी, बहुत मजा आया था। शंसब भाई इनको भी किसी दिन करवानी है, ये जब धान की फसल जो है ना ये काटी जाएगी ना तब फिर आपको दिखाएंगे इसके व्लॉग, बहुत मजा आएगा। अली भाई इतनी देर लगा दी है यार, सोचना पड़ता है। बेले गए हुए थे आप जी, इसलिए इतनी देर लगे गाइस। वो बेले जिधर उस दिन गए थे डेरे पे। अमर भाई मैं एक जी गुस्सा ना करे आज जी भाई बताएं, ये जो वीडियो तुसी बनांदे हो जी ये की लगदा है? ये वीडियो जरिया तानू मशहूर करने वास्ते असि बनांदे हो। अच्छा जी ये बस सारे पाकिस्तान में फैल दी है, पूरी दुनिया में फैल दी है जी जी। बिस्मिल्लाह दुनिया के जरे मर्जी मुल्क से बैग जी जी। बिस्मिल्लाह रोटी खान लगे बिस्मिल्लाह। तो गाइस अंधेरा काफ़ी हो गया, अभी फारग घूमे उन्होंने अभी ना है चारा काट लिया सारा, पहले वो सिर्फ बकरियों के लिए लेके आए थे, अब हमें भी ले गए वैसे, हमने भी चारा काट लिया, तो अब हम ना वापस जाएंगे। जैन भाई भी घर इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी देर हो गई है, अभी जाके ना और भी काम है घर। तो अस्सलाम वालेकुम नजान भाई, की हाल चाल है? ठीक हो? तो बड़े दिन बाद मिले हो, मैं तो हूँ पसरूरू आया तो तू हूँ वेखे इतने बैठे, मैं तो रुकया भाई असी ताबिया दा शुक्र। तो किथे गया अब सो गया भाई, किथे होना है तुम्हारे अगे पिछे रही दा असी किथे होना है नहीं मिलते सुल्तान रही ना कर। बस ठीक ठाक, तो अजकल समाचार कैसा जा रहा है काम दा? समाचार काम शाम ठीक है, अल्लाह पाक दा शुक्र है। बस अल्लाह पाक दा करम जे। ते लाइटिंग वावा सोनी नहीं लगी? हाँ जी बारह ने बिल आवाज परसों
अच्छा जी ईद मिलाद नबी है। ठीक हो गया जी। परसों कितने का प्रोग्राम है? परसों मैं इतने सोधरे अड्डे से जुलूस सोए दा उठे सुबह सुबह जावांगे। अपना जुलूस कड़ी बंदा और भी भाई अपना जुलूस ताड़ा निकले तुसी किते जुलूस ताड़ा शेख जुलूस जुलूस दे भाई शिरकत करो महफिल उठे जो पाक से लाल से लंबी होना। सुभान अल्लाह शरीफ बन गए बच्चे ए बच्चे बड़े उतरे ने शरीफ बन गए महफिल कराइए एडे उतरे बच्चे शरीफ बन गए हिसाब लाओ तुसी चौधरी तू घट शरीफ है हैं रा हां अरे को हां। तो गाइज हम जैन भाई के पास पहुंच चुके हैं मैं और चंदसब भाई। जब डेरे पे थे ना जैन भाई की कॉल आई थी कि आओ मुझे लेने इधर ना स्टॉप पे खड़े थे काफ़ी देर के तो अंधेरा भी हो गया वह रात हो गई है तो इसलिए आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। हमें दें इजाज़त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।